इसी बीच पन्ना से बड़ी खबर आ रही है, जहां पवई में 3 शिकारी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपियों ने 30 मई को तेंदुए का शिकार किया था, तो उसी के चलते उनको गिरफ्तार किया गया है। शिकारपुरा गांव में तलैया के पास तेंदुए का मृत अवशेष मिला था और इस पूरे घटना में 3 शिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर पन्ना से, जहां पवई में 3 शिकारी गिरफ्तार। आरोपियों ने 30 मई को तेंदुए का शिकार किया था। आपको बता दें, शिकारपुरा गांव में तलैया के पास तेंदुए का मृत अवशेष मिला था और इसी के चलते 3 शिकारी को गिरफ्तार किया गया है। तेंदुए का मृत अवशेष मिला शिकारपुरा गांव में तलैया के पास, और जिसको संदेह में लेते हुए पुलिस ने 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 30 मई को तेंदुए का शिकार किया था। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ देवेंद्र जुड़ चुके हैं। जी देवेंद्र, 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ जानकारी? जी मैं आपको बता दूं, रक्षा मंडल वन क्षेत्र पवई द्वारा इतनी बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें से वन विभाग के कर्मचारी जब छुट्टियों पे गई हुई थी तभी शिकारपुर के ही लोगों ने शिकार किया है, जिसमें से तेंदुए की मौत हो गई थी और भालू गंभीर रूप से घायल हो गया था। फिर पुनः जब वन विभाग की ड्यूटी पे आए, फिर उन्होंने गुप्त सूचना मुताबिक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जी देवेंद्र, जो 3 शिकारी गिरफ्तार हुए हैं, इसके पहले भी उन्होंने किसी जानवर के साथ ये वारदात की थी, उनको मारा था? मैं आपको पहले कोई भी घटना नहीं की गई थी, जो मुकारवे के द्वारा सूचना मिली थी जब तभी वन विभाग द्वारा गिरफ्तार किया गया है, पूछताछ जारी है अभी। जी बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र हमसे जुड़ने के लिए। तो पन्ना से बड़ी खबर, जहां पवई में 3 शिकारी गिरफ्तार हुए हैं। आपको बता दें, आरोपियों ने 30 मई को तेंदुए का शिकार किया था और शिकारपुरा गांव में तलैया के पास तेंदुए का मृत अवशेष मिला था और इसी कड़ी में पुलिस ने इन 3 शिकारियों को गिरफ्तार किया है।